ये कोई पूरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर। किसी को कोई भी बीमारी है, पैरालिसिस है, कैंसर है, कुछ भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, तो वो सब यहाँ पर ठीक होती है। अभी हम के लिए भी अगर दवा नहीं लग रही है तो उसके लिए भी हनुमान जी का आशीर्वाद ज़रूरी है। यहाँ आप आइए और आकर के देखिए हनुमान जी के चमत्कार। मतलब मेरे से क्या पूछेंगे, मतलब बाहर पब्लिक से भी पूछ सकते हैं कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितनों को आराम मिल रहा है। मतलब तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपके फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आ गया हूँ, पीछे का बैकग्राउंड देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं चांदनी चौक में हूँ। असलियत है कि मैं चांदनी चौक में हूँ, पर मैं कोई शॉपिंग करने नहीं आया हूँ, चांदनी चौक को एक्सप्लोर करने चांदनी चौक नहीं आया हूँ घूमने। मैं एक ऐसे जगह पर आऊँ, चांदनी चौक की एक ऐसी, मतलब क्या बताऊँ, एक ऐसी जगह पर आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ कि जो कि मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहाँ आप आते हो तो आपको दिल को शांति सुकून दोनों मिलता है। तो मेरे साथ चलिए, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, आपको दिखाएंगे हर एक चीज़ बताएंगे। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताओ। अगर आप यहाँ आए हो ये भी बताओ कमेंट करके कौन कौन यहाँ आया है। ले चलते हैं पहले और आप लोगों को बताते हैं कि क्या है आप और कैसे। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं और आ गया हूं नरसिंह हनुमान मंदिर, जो कि दिल्ली के चांदनी चौक में है। और यहां पे आप भीड़ देख सकते हैं, जो कि ये लाइनें लगी हुई है, लाइनें लगी है, और काफ़ी यहां पे भक्त अभी शाम के टाइम में आए हैं। सुबह आने का प्लान था, हमने सोचा शाम को चलते हैं, शाम को यहाँ पर थोड़ी भीड़ लगती है, उसको दिखाएँगे आप लोगों को, बताएँगे यहाँ पर क्या है। दिल्ली में वैसे तीन हनुमान मंदिर है, एक करोल बाग में है, दूसरा सीपी में है, तीसरा ये चांदनी चौक में है। तीनों की अलग अलग खासियत है, अलग अलग मान्यता है, अलग अलग यहाँ पे भक्त अलग भाव से आते हैं, हर जगह की अपनी अपनी एक कथा है। तो चलिए आपको यहाँ पे हम बताएंगे, यहाँ की कथा सुनाएंगे, यहाँ बताएंगे यहाँ लोग क्यों आते हैं, क्यों इतनी लाइनें लगी हैं, क्या है यहाँ पे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, एक एक चीज़ कवर करेंगे और आप लोग को बताएँगे। फाइनली मंदिर के बाहर हैं हम, और मंदिर में काफ़ी, मतलब मंदिर में अंदर एंट्री करने के लिए काफ़ी लाइन लगी है, तो हम भी कोशिश करेंगे अंदर चलने के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए। और बने रहिए, इसके बारे में बताएंगे क्यों इतनी भीड़ है, क्यों भक्त यहाँ पे आते हैं। तो पहले आप दर्शन करते हैं फिर बताते हैं आप लोगों को। फाइनली यार काफ़ी क्राउड है, मतलब दो घंटे लग जाएंगे दर्शन करने में। हम दर्शन करेंगे फिर आप लोगों को बताएं, आपको दिखाते हैं कितनी क्राउड है यहाँ पे, जो कि मतलब क्या बताऊँ मैं, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मतलब यहाँ पे काफ़ी क्राउड होता है। मंदिर की क्या खासियत है ये सब बताएंगे आपको और दिखाएंगे। और मेरे साथ है गौरव भाई, गौरव भाई को बोला कि आप भी चलो, जो कष्ट, जो भी हमारा कष्ट होगा भगवान हर लेंगे, दूर कर दे। इतने लोगों का कष्ट दूर कर रहे हैं, हम भी आ गए भगवान के चरण में। भीड़ इसलिए आपको भी बताएंगे, आपको भी आना है, जितने भी हमारे हमें देख रहे हैं लोग, और कहीं से भी देख रहे हो आप, दिल्ली में हो आओ एक बार, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, आपको बताएंगे यहाँ पे क्यों लोग आते हैं। चलो लाइन में लगते हैं, पहले दर्शन करते हैं। काफ़ी लंबी लाइन है, आप पीछे देख सकते हो पूरी चांदनी चौक तक लाइन ही लगी है। क्या कर रहे हो यार? बहुत तेज प्यास लग गई है, पानी पी लेते हैं। तुम भी पी लो गौरव भाई, और पानी पीने के बाद फिर चलते हैं, फिर लाइन में लगेंगे। यार अभी बहुत तेज प्यास लग गई है, मंगाए पानी पी लेते हैं, फिर चल के लाइन में लगेंगे, क्योंकि लाइन बहुत बड़ी है और बहुत अभी एक घंटा से ऊपर लगेगा। तो पानी वानी पी लेते हैं, फिर चल के लाइन में लगेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 6 बजे आए थे और 6 बजे से लाइन में खड़े हैं, अभी भी इतनी भीड़ है, जो जिसको मतलब मंदिर में जाते जाते 10 बज सकते हैं। आस्था के प्रति लोगों को इतना प्यार है, अपने आस्था के प्रति लोग, मतलब क्या बताऊँ मैं, 4 बजे से कोई खड़ा है, कोई बोल रहा है 3 बजे से खड़े हैं, और काफ़ी भीड़ है। तो अंदर आपको ले चलेंगे, आप इंतज़ार करके इतने देर तक वीडियो देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अंदर ले चल के जाओ।
भाई आएगा तो, आएगा तो मेरे से मिलाइए। अभी अभी काफी क्या बताऊँ मैं, लाइन में लगा और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद प्रभु के चरण में मंदिर के अंदर में मैं आ गया हूँ और जो जानकारी मेरे को देना है मैं अपने मुख से दूँ, इससे अच्छा आपको मैं ले चलूँगा जो मंदिर के मठाधीश पूजनीय महाराज हैं उनसे मैं सुनवाऊँगा मंदिर का महत्व, क्यों इतनी भीड़ लगती है, क्यों इतने लोग आते हैं, क्या इसकी महत्वाकांक्षा है, हर लोगों का भक्ति और अपने प्रभु में अपने भगवान में एक अलग श्रद्धा है इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जानकारी मैं अपने मुख से नहीं देना चाहता हूँ, ले चलता हूँ महाराज जी से आपको सुनाऊँगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्या है क्यों आना है आपको, हर एक चीज़ वो बताएंगे। तब तक सबको जय सियाराम, ले चलते हैं। मंदिर जो है ये 300 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मंदिर है, यहाँ स्वयंभू हनुमान जी हैं। यहाँ की मान्यता है कि आप जो भी सच्चे मन से मांगोगे वो अवश्य आपका पूरा होता है। और यहाँ अभी नीचे देख रहे होंगे कितनी भीड़ है, ये कोई पूरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर। किसी को कोई भी बीमारी है, पैरालाइसिस है, कैंसर है, कुछ भी बड़ी से बड़ी बीमारी है तो वो सब यहाँ पर ठीक होती है। अभी हम काफ़ी देर से मैं भी लाइन में था, 2-3 घंटे से मैं 6 बजे यहाँ पे आया और अभी तक मैं उतना ही भीड़ देख रहा हूँ, भीड़ कम नहीं हो रहा है। और ऐसे काफ़ी बीमारी वाले लोग, कोई पैरालाइज हैं, कोई चल नहीं पा रहे हैं, कोई खड़े नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी छोटे बच्चे, काफ़ी मतलब लोग आ रहे हैं। और आप जो मंदिर की कमेटी है वो भी काफ़ी सहयोग कर रही है, जैसे मैंने बाहर देखा काफ़ी लोगों से पूछा, काफ़ी दूर दूर, कोई बंगाल से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल साइड से आया है, कोई कहीं से आया। हम लाइन में लगे थे तो बातें चल रही थी, तो काफ़ी लोगों का कहना था कि यहाँ जो भी मांगते हैं एक झाड़ा लगता है। आज भी 3 लोगों की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, जिसमें 2 तो थर्ड स्टेज के कैंसर थे और 1 का सेकेंड स्टेज का कैंसर था। तो आज वो आए और आकर के बोल के गए कि बाबा हमें सवा मनी करनी है, और उसमें 1 तो बिहार से थे और 2 यूपी कहीं से थे, तो वो भी 9 से 21 झाड़े लगे उनके और आज की डेट में उनका कैंसर ठीक हो गया है। तो झाड़े लगते हैं उसका क्या है, झाड़े लगाने का क्या टाइमिंग है, मतलब कब से कब लगे? झाड़ा यहाँ पर शुक्र शनि इतवार को शाम को लगता है, शाम को 6 से 9 बजे का टाइमिंग है, जिसके लिए कोई नंबर वंबर नहीं लिखा जाता। आप लोग स्वयं आइए और आकर के दोपहर से लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है और आकर के लाइन में लगिए और झाड़ा लगवाइए। और झाड़ा भी जब से मंदिर है जब से झाड़ा लगता आ रहा है। टाइमिंग क्या होगा आने का यहाँ पे, शुक्र शनि और रविवार को? शुक्र शनि इतवार को शाम को 6 से 9। 6 से 9 काफ़ी मतलब 9 बजे तक ही होता है। अभी मैं देख रहा हूँ अभी भी चल ही रहा है, काफ़ी भीड़ है। अभी 10 बज चुके हैं आपके सामने, अब जब तक भीड़ रहती है चाहे रात की 11 बजे, 12 बजे, हमें 1 बजे, हम लगाते रहते हैं। टाइमिंग जो है, पहले जो पुराना टाइमिंग था वो था 6 से 7 बजे तक का। जो यहाँ पे घी और तेल चढ़ रहा है, क्या मतलब उसको दिया जाता है लोगों को लगाने के लिए? जो घी तेल यहाँ लोग चढ़ाते हैं उनको उनका घी तेल वापस मिलता है, वो तैयार करके हम पढ़कर उसको देते हैं कि उसके नाभि से ऊपर के हिस्से में कहीं पे भी कोई भी पैरालाइसिस है, काट है, कैंसर है, कोई भी बीमारी है तो उस पर घी की मालिश करनी है। नाभि से नीचे के हिस्से में पैर तक, जहाँ तक भी कोई भी बीमारी है तो उससे तेल की मालिश करनी है और जल बहुत लेते रहना है और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और किसी को कोई अलग बीमारी होती है तो अलग पाठ बताते हैं और अवश्य ठीक होते हैं वो लोग। अभी हम महाराज जी के साथ बैठे हैं और इनके मुख से आपको सुना रहे हैं। मैं बताता तो आपको थोड़ा बहुत कहीं तक विश्वास नहीं होता, लेकिन आपको भीड़ देख के और लोगों को देख के विश्वास हो जाना चाहिए। आप अगर हिंदुत्व को मानते हैं, आपकी हमारे देवी देवताओं में आस्था है, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। डॉक्टर एक अपने आप में अधित्व है, वो दवाई देते हैं, दवाई से करते हैं, लेकिन यहाँ जो बहुत सी जगह, बहुत सा टाइम में डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब इसको दवा के साथ दुआ की ज़रूरत है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा और सुना होगा। नहीं, ये तो दुआ नहीं रहेगी तो दवा काम नहीं करेगा मेरे मानने से। अगर आपके आपकी भगवान में आस्था नहीं, आप भगवान के चरण में अपनी हाजिरी नहीं लगाते हैं तो जहाँ तक दवा भी बहुत कम काम करती है। दवा के लिए भी अगर दवा नहीं लग रही है तो उसके लिए भी हनुमान जी का आशीर्वाद ज़रूरी है। यहाँ आइए और आकर के देखिए हनुमान जी के चमत्कार। मतलब मेरे से क्या पूछेंगे, मतलब बाहर पब्लिक से भी पूछ सकते हैं कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितनों को आराम मिल रहा है। मतलब ये हनुमान जी स्वयंभू है,
और साक्षात हैं हनुमान जी, कलयुग में भी हैं हमारे साथ ना, अमर हैं वो, तो और हनुमान करते आए हैं सबको, और बहुत दयालु है मेरा बाबा। बस वो कहता है एक बार श्रद्धा भाव से तू मेरे पास आ तो सही। और हनुमान जी के मंदिर में हम हैं और आपको आना है, महाराज जी से हमने मिला, महाराज जी से बातें हुई, इन्होंने जो बताया वो काफ़ी एक महत्व है, और आप मंदिर में आते हैं तो ये आपको नहीं लगेगा कि आप को कोई दिक्कत हो रही है। काफ़ी लोगों थे, हम लाइन में लगे थे, उनसे बातें कि हम एक्चुअली दिखा नहीं पाए उनकी बातों को, लेकिन आप भीड़ को देख के आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पे है। फाइनली महाराज जी से हमने मिला, इन्होंने बुला लिया, वही हमारे लिए बड़ी बात है, ये एक बड़ी सौभाग्य है। नहीं तो इतनी भीड़ में हम, मुझे बुलाना, और ये बहुत बड़ी बात है। इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा, आप वीडियो को देखो, यहाँ पे आओ आप, और ज़रूरी पड़ी तो महाराज जी आपसे मिलेंगे, और कुछ ऐसी आवश्यकता है आपको, नीड है, समस्या है, ज़्यादा समस्या है, कुछ किसी को कुछ ज़्यादा दिक्कत है, तो मंगलवार को मैं बैठता हूँ सभी के लिए, दरबार लगता है दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक, तो मैं सबके लिए अवेलेबल होता हूँ यहाँ पे, सबको मिलता हूँ, जितने भी लोग होते हैं उसमें भी टाइम ये है, लेकिन उसके बाद भी जो समय होता है तो उसके तक मैं बैठा रहता हूँ यहाँ। तो चलिए महाराज जी आपसे मिलेंगे, ये एक बहुत बड़ा मतलब आपके लिए अवसर है, आप मंदिर में आते हैं, कोई समस्या है तो आप मिल सकते हैं। अभी हमने महाराज जी से सुना, आपको यहाँ आना है और महाराज जी खुद स्वयं आपसे मिलेंगे मंगलवार को, अगर आप आते हैं तो आपको कोई कष्ट है और कुछ भी है तो। फाइनली महाराज जी से विदा लेंगे, फिर महाराज जी के चरण में हम आएंगे और मिलेंगे आपको। अगर महाराज जी और कुछ दो शब्द आप, आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं, खूब तरक्की करें जीवन में, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलिए महाराज जी के हाथ से प्रसाद भी ग्रहण हो गया। मैंने नहीं सोचा था आते हुए, नहीं सोचा था, मैं सोचा था कि आऊँगा चला जाऊँगा वीडियो बना के और कुछ चीज़ें दिखा के। महाराज जी से मिला एक अपने, मैं क्या बताऊँ, वर्ड नहीं है। चलिए आप लोग वीडियो देख लीजिए, आप जहाँ से भी देख रहे हैं आप यहाँ आने की कोशिश कीजिए, कोई कष्ट है तो यहाँ आइए। आपको हम किसी और दिन किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक सबको जय सियाराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर।